लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और अब 25 मई को 6ठे चरण की वोटिंग होनी है, जिसमें हरियाणा की सबसे चर्चित सीट कुरुक्षेत्र भी शामिल है। इस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखा जा रहा है। हालांकि दोनों ही चुनाव में भाजपा ने अपना उम्मीदवार बदल दिया था, इस बार भी सीट से भाजपा ने दूसरे चेहरे को मैदान में उतारा है। कुरुक्षेत्र सीट से ही कांग्रेस के टिकट पर 2 बार सांसद रह चुके नवीन जिंदल अब भाजपा के साथ आ चुके हैं और पार्टी ने उन्हें यहां से अपना उम्मीदवार बताया है। जिंदल लगातार 5वीं बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले 4 बार तक वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं और इस बार वो भाजपा के बैनर तले मैदान में होंगे। हालांकि इस बार भी उनकी राह आसान होती हुई तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन वो कैसे, आइए हम इस सीट के इतिहास के जरिए इसे समझते हैं कि क्या कहता है कुरुक्षेत्र सीट का चुनावी इतिहास। कुरुक्षेत्र सीट का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा। ये वही सीट है जहां से देश के पूर्व अंतरिम प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा सांसद हुआ करते थे। जी हाँ, हालांकि इस सीट का एक अजब रिकॉर्ड ये है कि यहां से अब तक कोई भी सांसद 3री बार चुनाव नहीं जीता है। तो क्या भाजपा के साथ आकर जिंदल ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? आपको बता दें कि अब तक इस सीट से कौन कब सांसद चुना गया है, आप इस चार्ट के जरिए समझ सकते हैं। कब कौन रहा कुरुक्षेत्र सीट से लोकसभा सांसद? 1957 मूलचंद जैन कांग्रेस से, 1962 देवदत्त पुरी कांग्रेस, 1967 गुलजारी लाल नंदा कांग्रेस, 1971 गुलजारी लाल नंदा कांग्रेस, 1977 रघुवीर सिंह विर्क जनता पार्टी, 1980 मनोहर लाल सैनी जनता पार्टी सेक्युलर, 1984 सरदार हरपाल सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1989 गुरदयाल सिंह सैनी जनता दल, 1991 तारा सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1996 ओम प्रकाश जिंदल हरियाणा विकास पार्टी, 1998 कैलाशो देवी INLD, 1999 कैलाशो देवी INLD, 2004 नवीन जिंदल कांग्रेस, 2009 नवीन जिंदल कांग्रेस, 2014 राजकुमार सैनी BJP, 2019 नायाब सिंह सैनी BJP। तो इस चार्ट के जरिए आप समझ गए होंगे कि 2 बार तो सांसद कोई बना है, लेकिन 3री बार रिपीट नहीं हुआ है। अब इस बार कुरुक्षेत्र सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें भाजपा के उम्मीदवार नवीन जिंदल, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता और हरियाणा में प्रभावशाली चौटाला परिवार के सदस्य अभय सिंह चौटाला के बीच त्रिकोणीय मुकाबले होने की संभावना है। एक दशक के बाद चुनावी मैदान में उतर रहे उद्योगपति नेता जिंदल का कहना है कि वो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले इस निर्वाचन क्षेत्र को आध्यात्मिक केंद्र में बदलना चाहते हैं। कुरुक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से नवीन जिंदल के खिलाफ इनेलो के महासचिव और पार्टी के एकमात्र विधायक चौटाला और आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष सुशील गुप्ता भी मैदान में है। विपक्षी गठबंधन इंडिया का घटक दल आप हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ रहा है, जबकि शेष 9 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। जिंदल मार्च में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के हो गए थे। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने 2004 से 2014 के बीच कुरुक्षेत्र लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। उनके दिवंगत पिता और जाने माने उद्योगपति OP जिंदल भी पहले कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ये पहली बार है जब भाजपा ने सीट से OBC से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। चुनाव प्रचार के दौरान BJP उम्मीदवारों किसानों के मुद्दों के साथ साथ भाजपा को चुनौती देने के लिए बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे अन्य मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। दरअसल हाल ही में नवीन जिंदल ने कहा कि उनका सपना कुरुक्षेत्र को देश के सबसे विकसित निर्वाचन क्षेत्रों में से एक बनाने का है। जिंदल ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र उनके लिए नया नहीं है और उन्हें जनता से भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को भाजपा की डबल इंजन सरकार के कारण लाभ हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में बहुत काम किया है और उनके पास देश को आगे ले जाने का एक दृष्टिकोण है, एक विजन है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन जिंदल ने अपनी और अपनी पत्नी शालू की चल अचल संपत्ति करीब 1,000 करोड़ रुपए घोषित की है। भाजपा उम्मीदवार ने पिछले सप्ताह कुरुक्षेत्र के विकास के लिए अपनी योजनाओं को शेयर करते हुए एक दृष्टि पत्र जारी किया था। उन्होंने विश्व मंच पर कुरुक्षेत्र को आध्यात्मिक और धार्मिक पहचान दिलाने का वादा भी किया। अब इस पर आप उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल से तीखा सवाल करते हुए कहा,
मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने सांसद के रूप में यानी कि 2004 से 2014 तक पहले कुरुक्षेत्र में कौन से प्रमुख विकास कार्य किए हैं। भाजपा उनके खिलाफ कोयला घोटाले के आरोप लगाती थी लेकिन अब वे इस पर चुप है। गुप्ता ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, किसान और महिलाओं के मुद्दे निर्वाचन क्षेत्र में प्रमुख मुद्दे हैं। लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। लोग इस बात से भी नाराज हैं कि राज्य की भाजपा सरकार ने किसानों, सरपंचों, कर्मचारियों जैसे किसी भी वर्ग द्वारा आवाज उठाने पर लाठियां चलाई हैं। इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने दावा किया कि समाज के कई वर्ग केंद्र और हरियाणा में भाजपा सरकारों से तंग आ चुके हैं। अभय चौटाला ने कहा कि आज किसानों की क्या हालत है, सरकार ने उनसे बड़े बड़े वादे किए लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के दौरान 700 लोगों की शहादत के बाद भी सरकार उन्हें धोखा दे रही है। आपको बता दें कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में एक साथ मतदान होगा। यहां कुल 223 प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में हैं। मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चलेगा। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में 9,38,029 पुरुष हैं, 8,50,429 महिलाएं हैं और 23 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं और उसमें जाट समुदाय का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। अब देखना यह कि कुरुक्षेत्र का रण क्या गुल खिलाता है।